गाइज़ कैसे हो आप सब। ये है सैमसंग गलेक्सी S21 FE। तो इसमें दोस्तों वन यू आई 6.0 का अपडेट देखने को हमें मिलता है। तो मैंने दोस्तों ये अपडेट कर लिया है। ऑलमोस्ट ये यहाँ पर 2500 MB के आसपास का अपडेट था। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप कर लेना इसको। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास स्नैपड्रैगन 888 वाला एडिशन है, तो मुझे इसमें अपडेट मिल चुका है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको अपडेट मिला है या नहीं मिला है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेन्यू बार की, जहां पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल नया ही पैनल आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्राइटनेस वाला जो कॉलम है वो भी हमें अलग से देखने को मिलता है इस बार से। इस बार अटैच्ड नहीं है जैसे कि पिछली बार था। तो बिल्कुल अलग आपको आई कम्फर्ट वगैरह वहीं इसके नीचे देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो इसे आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। डार्क मोड को भी दोस्तों आप वहीं से ऑन और ऑफ कर सकते हो। जो इसका पैनल है भाई, ये आईफोन का जो नए वाला iOS 17 आया था भाई, मुझे उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में iPhone 14 यूज़ कर चुका हूँ मैं तो। लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है, इसमें देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन में, अगर आपको कोई भी मीडिया आपने यहाँ पर ऑन कर रखा है भाई, तो सॉन्ग वगैरह आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिल्कुल बहुत बड़ा नोटिफिकेशन पैनल एक देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने अपडेट नहीं किया तो भाई अपने डाउनलोड में जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो अबाउट सेक्शन में। दोस्तों इसका जैसे हमें पता है 2500 MB के आसपास का अपडेट था, तो लेकिन आप इजीली से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है और लैग वगैरह का कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल एकदम अच्छे से यहाँ पर वन यू आई 6.0 ये फ़ोन हैंडल कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको लैग वगैरह देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और नए फीचर्स की। तो अगर आप कैमरा सेक्शन को यहाँ पर देखें तो इसका एक तो हम जैसे ही ओपन करते हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर आपको ऊपर वहाँ पर जो वीडियोज़ के फ्रेम रेट चेंज करने को आते थे वहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अलग से ही देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी ईजी हो चुका है। अब हम अल्ट्रा एच डी से 60 और 30 में इजीली यहाँ पर मूव कर सकते हैं। आप बाहर ही देख सकते हो यहाँ पर जो अल्ट्रा स्टडी मोड है उसका भी आइकन यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर ये देखने को लग रहे हैं। और दोस्तों इसमें अगर मोर में जाए तो एक्सपर्ट मोड में हम जाते हैं तो अंदर यहाँ पर भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलती है, जैसे कि हमें मेन कैमरा यूआई में देखने को मिल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बार बार यहाँ पर चेंज हुआ है, बिल्कुल अंदर तक यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बाकी सारे फीचर्स यहाँ पर सेम ही थे। दोस्तों इसमें अगर हम कैमरे की बात करें तो एक विजिट ऑप्शन देखने को मिलती है हमें। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपने आप से कैमरा को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ़ोटो ऐड की और इस फोटो को लगाने के बाद भाई मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि भाई स्टार्ट मोड क्या रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं फ़ोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो मोड, प्रो मोड। तो मैंने वीडियो मोड किया, जैसे मैंने वीडियो मोड सेलेक्ट किया है तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो सीधा वीडियो मोड में कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो पोर्ट्रेट मोड या फिर कोई और मोड भी यहाँ पर कर सकते हो और इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें तो भाई मुझे इसमें 10 MP की ऑप्शन देखने को मिली है, जो शायद पहले तो नहीं थी। अगर आप लोगों ने देखी है तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने नहीं देखी थी। तो इसमें आप देख सकते हो कि मोशन फोटोज़ का भी आपको अलग से एक डॉट देखने को मिलता है और सेम आपको यहाँ पर भी अल्ट्रा एच डी 40 और 30 का ऑप्शन देखने को अलग से मिलेगी। दोस्तों मुझे बताना यार, हाइपरलैप्स फ्रंट कैमरे में पहले से था या नहीं? आई थिंक न्यू आया है, अगर पहले से था तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। बाकी दोस्तों इसमें जो एक और अपडेट है वो है यहाँ पर वाटरमार्क में। वाटरमार्क दोस्तों जैसे ही आप ऑन करोगे यहाँ पर तो आप एक तो भाई मॉडल नेम यहाँ पर चेंज कर सकते हो, तो इससे तो भाई आप कोई भी फ़ोन का यहाँ पर नाम लिख सकते हो अगर आप चाहे तो, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको। उसके बाद डेट, टाइम और फॉन्ट अलाइनमेंट तक आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। मतलब आपको अगर अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए जहाँ पर भी मॉडल का नाम लिखना है अपने फ़ोन का, वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो भाई काफ़ी सारे एडिशन यहाँ पर हो चुका है, आप चाहे तो कैसे भी अपने फ़ोन को यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेन है यहाँ पर, अदरवाइज़ जब आप यूज़ करेंगे रेगुलरली आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद भाई आप यहाँ पर ये एक नई चीज़ कर सकते हो कि एक हाथ से हम यहाँ पर ऐप पकड़कर दूसरे हाथ से विंडो स्क्रॉल कर सकते हैं और अपने ऐप को कहीं भी ले जा सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये कुछ थोड़े बहुत फीचर्स है, वैसे तो ये नॉर्मल है लेकिन फिर भी ये नया ऐड किया गया है इस बार। तो उसके बाद दोस्तों ये वॉच आप देख सकते हो, ये भी मैंने अभी अभी न्यू देखी है इसमें, आई थिंक ये भी इसका न्यू फीचर है। ऊपर से दोस्तों जो आपको यहाँ पर वेदर का मॉड्यूल देखने को मिलता है वो भी यहाँ पे नया फीचर इसमें दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप एक साथ दोस्तों फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हो, उन्हें एक ही बारी में कहीं भी मूव कर सकते हो। भाई काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स ये देखने को हमें लगते हैं, तो एक ही बारी में आप कहीं पर भी ये फ़ोटोज़ यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। तो मैंने नहीं करनी है तो मैं नहीं करूँगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इमोजेस नए नए देखने को मिलते हैं। ये सैमसंग ने भाई अपडेट में कहा था, वैसे मुझे तो दोस्तों नॉर्मली लग रहे हैं, मतलब मैं पहले भी इन सबको यूज़ कर चुका हूँ, तो आई थिंक आए होंगे शायद से, मैं यहाँ पर जज नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पर आपको नए देखने को मिलते हैं। उसके बाद भाई जो सबसे बढ़िया मुझे यहाँ पर लगा, जो आई थिंक होना चाहिए क्योंकि भाई एक नॉर्मल यूज़र इतना ज़्यादा अंदर नहीं जाता, यहाँ पर अब आपको डॉट देखने को मिलता है जहाँ पर बैकग्राउंड इफेक्ट आप चेंज कर सकते हो। भाई ये भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, पहले यहाँ पर स्लाइडर आता था, अब यहाँ पर आपको थोड़ा अलग देखने को मिलता है। जैसे ही आप दोस्तों ये रीमास्टरिंग पिक्चर में दबाते हो भाई, कुछ अलग ही लेवल की फ़ोटो आपको ये करके देता है, तो मेरे ख्याल से भाई इसका आप यूज़ कर सकते हो। ये इसी फ़ोन से फ़ोटो क्लिक की गई है, तो आप देख सकते हो भाई पहले और आफ्टर में, बिफ़ोर एंड आफ्टर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लोज़ करके दिखाता हूँ, तो भाई मतलब आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने इसे यूज़ करना, और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा फीचर है ये। इसमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एक और चीज़ देखने को मिलती है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसको मैंने पहले सेव कर लिया यहाँ पर, अब देखिए क्वालिटी तो भाई काफ़ी अच्छी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इरेज़ कर सकते हो, वो भी आपको बिल्कुल आगे ही ऑप्शन देखने को मिलती है, तो हमें दोस्तों सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर इरेज़ का ऑप्शन पे दबाना है। तो भाई आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छे से ये यहाँ पर इरेज़ कर लेता है। ये थोड़ा बहुत दोस्तों मैंने सेलेक्ट अच्छे से नहीं किया था, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसी में ही।